भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री गुलाब कटारिया जी, माननीय श्री कैलाश जी, सांसद श्री दुष्यंत सिंह जी मंच पर बैठे हुए, पार्टी के विभिन्न नेतागण, और अभी कुछ क्षणों में हमारे बीच में वसुंधरा जी भी शामिल होंगी, तो उनको भी मैं संबोधित अभी कर देता हूं और उनके साथ विभिन्न प्रमुख कार्यकर्ताओं में मेरे एक सहयोगी जो राज्यसभा में मेरे सहयोगी हैं और आप ही के नगर में पड़े और बड़े हुए श्री भूपेंद्र यादव जो संसद सदस्य हैं, देवी और सज्जनों, आज राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वसुंधरा जी आ जाए तो राजस्थान की चर्चा मैं उनकी मौजूदगी में करूंगा। आज देश के विभिन्न प्रांतों में कई उपचुनाव थे, लोकसभा के उपचुनाव थे, विधानसभा के उपचुनाव थे। एक विधानसभा का, महाराष्ट्र का उपचुनाव छोड़कर, सारे देश में हर सीट के ऊपर कांग्रेस हारी। अब केवल हारी नहीं, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में लगभग हर सीट पे जहां लड़ी, तीसरे या चौथे नंबर पर आई, उसकी जमानत भी जब्त हुई। सबसे अभूतपूर्व चुनाव गुजरात का था, दो लोकसभा और चार विधानसभा की सीटों का चुनाव था। ये छह की छह सीट वो थी जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जीती थी। किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी का देहांत हो गया और कांग्रेस के गढ़ों में ये चुनाव हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ये थी कि छह की छह सीट कांग्रेस से हमने गुजरात में जीत ली, और कोई छोटी मोटी मात्रा से नहीं जीती। हर सीट में जो जीत की मार्जिन थी वो 20 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक थी। अभी राजस्थान का कोई चुनाव नहीं था उसमें, अगर राजस्थान का कोई उपचुनाव होता तो हार की इस कड़ी में कुछ और सीटें भी जुड़ जाती। मैं आरंभ में इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जमीन की हकीकत क्या है, यह उपचुनाव का परिणाम उस हकीकत का बयान करता है। वास्तविकता क्या है, जिसको अंग्रेजी की शब्दावली में कहते हैं रियलिटी टेस्ट क्या है, रियलिटी चेक क्या है। स्वास्थ्य अच्छा है कि बुरा है, शरीर में से खून लेकर टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। ये वो रियलिटी टेस्ट हुआ है जो जमीन की हकीकत सामने आ गई है, और ये चुनाव अगर पूरे देश में
अगर यही कड़ी चलती रही तो मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, जो अगले वर्ष होता है या इस वर्ष के अंत तक होता है, कांग्रेस के लिए 3 आंकड़ों में भी पहुंच पाना कठिन होगा, लगभग असंभव होगा। और क्यों ना हो, देश की अर्थव्यवस्था की हालत देखिए, कीमतें आसमान छू रही हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, दुनिया जहां से जो देश के अंदर निवेश आता था वो निवेश आना बंद हो गया, देश के जो औद्योगिक घराने हैं वो मानते हैं कि इस देश से बाहर जाकर निवेश करें तो शायद ज्यादा लाभ बाहर होगा। वाजपेयी जी की सरकार गई थी तो एक ताकतवर दमदार अर्थव्यवस्था छोड़कर गई थी, पूरी दुनिया के सामने भारत की अर्थव्यवस्था का एक चित्र हमने खींचा था। दुर्भाग्य है इस देश का कि यूपीए की सरकार इस देश को लाकर एक कमजोरी के दराज पे ऊपर खड़ा कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम दुनिया भर में घूम रहे होंगे कि आइए मेरे देश में पूंजी लगाइए और लगाने वाला कोई नहीं होगा, लगभग यह स्थिति पैदा हो चुकी है। देश की सुरक्षा की हालत देखिए, देश की सुरक्षा की हालत यह है कि पाकिस्तान हमारे जवानों का सर काट देता है और मनमोहन सिंह की दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। देश की सुरक्षा की हालत यह है कि जब चाहे देश के किसी कोने में बम ब्लास्ट हो जाता है, हम उसको रोक नहीं पाते। ये छत्तीसगढ़ में जो माओवाद की घटना हुई है, रमन सिंह जी की सरकार पूरी ताकत के साथ माओवादियों से लड़ रही थी, केंद्र भी उसकी सराहना करता था। कांग्रेस पार्टी की एक पत्रिका आती है, कांग्रेस संदेश, श्रीमती सोनिया गांधी ने 2 साल पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक खुला पत्र लिखा जो उसमें छपा, और उस पत्र में माओवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का काम किया। जो केंद्र की सरकार राज्यों की सहायता करती थी और एक दृढ़ संकल्प बना रही थी माओवाद के खिलाफ लड़ने को, वो लेख क्या पढ़ लिया सोनिया जी का, वो पत्र क्या पढ़ लिया, उस लड़ाई को कमजोर कर दिया। और आज कहते हैं कि अगर आतंक से लड़ना है तो राज्यों के अधिकार हमें दे दो। आज जो दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई उसके पीछे उद्देश्य यह था कि आतंक से लड़ने के लिए मेरे पास ताकत और अधिकार नहीं है, जो कानून व्यवस्था के राज्यों के अधिकार हैं उनमें से एक टुकड़ा मुझे केंद्र को दे दो। आपकी तो नियत पे हमेशा है, सीबीआई आपके हाथ में आई तो दुरुपयोग हुआ। मित्रों, समय बहुत कम है क्योंकि 10 बजे तक इस कार्यक्रम को समाप्त करना है। वसुंधरा जी आ रही हैं, मैं उनके आने के बाद केवल इस सीबीआई के विषय का और राजस्थान के विषय का 2-3 मिनट के लिए जिक्र करूंगा और उसके बाद वो अपने विचार रखेंगी। आपने एनआईए बनाई
एनआईए को राजनीतिक प्रचार के लिए प्रयोग कर लिया और आज आप कहते हो कि केंद्र के नाम को शांत रहिए, केंद्र के पास अधिकारों की कमी है, हमें और अधिकार दे दिए जाए। भ्रष्टाचार के नाम पर शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार ये रही है। 64 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार रिश्वत थी बोफोर्स के कार्य में। 64 करोड़ के भ्रष्टाचार के लिए 400 से ज्यादा सीट ली हुई राजीव गांधी की सरकार चुनाव हार गई थी और आज लगता है वो 64 करोड़ तो अपने आप में लघु उद्योग था। 2G के स्पेक्ट्रम के कांड में एक 1,76,000 करोड़, कोयले की खदानें आवंटित करने में जो घाटा हुआ भारत सरकार का वो 1,86,000 करोड़, कॉमनवेल्थ खेल 70,000 करोड़। केवल भ्रष्टाचार नहीं किया, उस भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा कैसे डालते हैं इसका भी पूरा प्रयास होता रहा। टू जी के सवाल पर संयुक्त समिति संसद की बैठी, उसकी रिपोर्ट नहीं आने दी, बांट दिया उसको कि सरकार के खिलाफ और इस यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ लिखा ना जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष हैं, उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट न आए इसलिए पीएसी को बांट लिया। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को जांच करो, सीबीआई की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जानी है और इस सरकार का एक मंत्री अधिकारियों को बुलाकर कहता है रिपोर्ट को बदल दो, वो कांड सामने आ गया। केवल भ्रष्टाचार नहीं करते, भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने का काम भी करते हैं, ये इस सरकार का एक चरित्र रहा है। आप कल्पना कीजिए कि ये आज सरकार बनी हुई है, 2008 में यूपीए 1 की सरकार गिर जाती, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नाक के नीचे सांसदों की खरीददारी करके यह सरकार बची थी और आज जब वामपंथी इनसे अलग हो गए, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इनसे अलग हो गई, करुणानिधि जी की डीएमके इनसे अलग हो गई, तो कांग्रेस और यूपीए तो अल्पमत में आ चुकी हैं। आज ये सरकार अगर बनी हुई है तो केवल सीबीआई के दम पे बनी हुई है, क्योंकि सरकार को जो समर्थन मिल रहा है वो बाहर से केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मिल रहा है। ये दो पार्टियों का समर्थन, और मैं तो कहता हूं दुष्यंत जी, दोनों में से एक ने समर्थन जिस दिन वापस ले लिया उस दिन ये सरकार गिर जाएगी। तो आप झालावाड़ में तैयारी अप्रैल के हिसाब से मत करिए, इन दोनों में से कौन कब समर्थन वापस ले लेगा इनका कोई भरोसा नहीं।
ये कोई सिद्धांत या विचारधारा के आधार पर चलने वाले दल नहीं है। उसके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दोनों के खिलाफ, और दोनों की आदत है कि हर बार संसद में जब वोट होती है संसद के बाहर सरकार के खिलाफ बोल दो, लेकिन वोट के समय सरकार को बचा लो। इस सरकार को बचाने का काम केवल इस देश की ये भ्रष्ट जांच एजेंसी सीबीआई करती है। मैं इस मंच के माध्यम से आज इस सरकार को और सीबीआई को यह चेतावनी देना चाहता हूं, राजनीतिक सत्ता कभी अमर नहीं होती, राजनीतिक दल शासन में आते हैं बाहर जाते हैं। सीबीआई के अगर अधिकारी कांग्रेस और यूपीए का सेवक बनकर अगर इनकी सेवा करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन कानून के सामने उनकी भी जवाबदेही होगी। अब देखिए किया क्या है, शायद राजस्थान में जो राजनीतिक नेता है, चंद एक नेता जिनका नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता है श्री गुलाबचंद कटारिया जी। मित्रों, मैं इस अधिकार के साथ कह सकता हूं कि कुछ कानून मैंने भी पढ़ा है और समझा है। गुलाब जी के खिलाफ केस बना देना, मैं बार बार उन कागजों को पढ़ता रहा कि इन कागजों में केस कहां है, मुझे वो केस दिखा नहीं। राजेंद्र राठौर के खिलाफ केस बना देना, कुछ कल्पना नहीं थी कि क्या केस था। गुजरात में हमारे दो हमारे नेताओं के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ केस बना देना, लेकिन इस देश में याद रहे कि एक बहुत बड़ी न्याय और कानून की व्यवस्था भी है। हम राजनीतिक दृष्टि से भी इसको लड़ेंगे, कानूनी दृष्टि से भी लड़ेंगे, और गुलाब जी मैं आश्वासन पूरी पार्टी की तरफ से आपको देता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी और सीबीआई से आपके ऊपर आंच नहीं आने दी जाएगी। पिछली बार वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब सरकार में हम लोग आए थे तो शायद 120 के करीब सीट थी। उस वक्त केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन इस वक्त तो केंद्र में भी एक भ्रष्ट सरकार है और राज्य में ऐसी सरकार है जो कोई काम नहीं कर पा रही। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन राज्यों का जिक्र होता है, प्रतिस्पर्धा होती है तो इन राज्यों की होती है। बेचारे राजस्थान के लोग ढूंढते हैं कि कहीं राजस्थान का नाम बीच में आ जाए, कहीं नहीं आता राजस्थान का नाम। ये पहला चुनाव होगा बहुत समय बाद जो हम लड़ेंगे, जहां दोहरी सरकार विरोधी भावना होगी, डबल एंटी इनकम्बेंसी होगी, एक अत्याचारी सरकार होगी, केंद्र की सरकार के खिलाफ भी एक भावना होगी, अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ भी एक भावना होगी। को 120 का आंकड़ा तो भूल जाइए, इस बार 150 के आंकड़े को पार करके वसुंधरा जी एक बार फिर केंद्र में मंत्री बनेगी, एक राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी और उसके बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार एक बार फिर हम राज्य में लाए थे। पिछली बार 2004 में 21 सीट लेकर आए थे, वो संख्या भी वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब राजस्थान का चुनाव होगा तो और आगे बढ़ेगी। और इसके साथ साथ अपनी ओर से, आप सब की ओर से, इतनी भीष्म गर्मी में वसुंधरा जी जो यात्रा कर रही है उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
हूं, स्वागत करता हूं। समय बहुत कम है और तुरंत उनको मंच पर बुलाता हूं कि 15 मिनट बचे हैं।